किसने छेड़ी? दादी, मैं अपनी डार्लिंग के लिए प्यारे से फूल लाया हूँ। आधे कमरे में लगा लो, आधे बालों में। सेक्सी लगोगे। चुप रह, फ्लर्ट मत कर। ये आपके लिए। फ्लर्ट तो तेरे दादाजी करते थे, शाम को फैक्ट्री से आते आते मेरे लिए फूल लेकर आते थे ऐसे ही। हाँ, आज अचानक उनकी याद आ गई। That's really sweet, दादी। लाइए, मैं इन्हें वाज में लगा देता हूँ। एक मिनट। क्या ढूंढ रहे हो? अरे, वो तेरे दादाजी की एक वॉकिंग स्टिक हुआ करती थी। उनके आने से पहले उनकी छड़ी की टक टक की आवाज आ जाती थी। किस संभाल के रखी थी मैंने, कहीं दिख नहीं रही। यहीं कहीं रखी होगी, मैं ढूंढ देता हूँ। सारा घर छान मारा पुत्र, कहीं नहीं मिली। ढूंढते रहो अपनी छड़ी। सॉरी मम्मी जी, आपके दिल का एक हिस्सा तो मैंने गायब कर ही दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका हार्ट फेल हो जाए। दादी, यहीं कहीं रखी होगी। अच्छा, आपने लास्ट कहाँ रखी थी? उस परमेश्वरी ने सारा घर उलट पुलट कर रखा था, उसी में गायब हुई है। राघव, ये छड़ी तेरे दादाजी की है, उनकी आखिरी निशानी। मुझे कुछ हो ना जाए उसके बिना, उसमें मेरी जान जान बसी है। दादी, आप टेंशन मत लो, इतना बड़ा घर है, यहीं कहीं होगी। आप आराम से बैठो और दो घूंट पानी पियो। वो छड़ी मैं आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगा, प्रॉमिस। ये पकड़ो। सेक्सी लग रही है। You sold it off, but it was for charity. Sorry, man, but lady told me to sell off the cane. I keep money for myself. Where did you sell it off? कुछ पता चला? हाँ दादी वो छड़ी किसी ने बेच दी। तो खड़ा मुंह क्या देख रहा है राघव, वापस खरीद के ला ना। अरे तो बोलेगा नहीं, बुद्ध की तरह खड़ा रहेगा, तो किसी को पता कैसे चलेगा कि तुझे क्या चाहिए। ये ले, पहले 5-6 यूरो, जितनी चाहिए उसे दे दे। दादी, इतने पैसे नहीं चाहिए। तूने मेरा दिल टूटने से बचाया ना, तो इसे अपने किसी दिल के काम में इस्तेमाल कर लेना। अब जा पुत्र। अरे, वो चीज उस दुकान से किसी दूसरी दुकान में चली गई तो फिर नहीं मिलेगी। जा ना, खेती जा, तभी मुझे चैन आएगा। सब कुछ अच्छा हो जाएगा तेरी जिंदगी में। फिर मेरे पास आकर बोलेगी, माँ आप एकदम ठीक कहती थी। देख कितनी अच्छी लग रही है। How much? 200 euros. 200 euros? That's it? It is very costly in India. You must be mistaken. Ma'am, this is not India. Please be fair. Yeah, this is the one. How much was this walking stick? 150 euros. 150? That's it? देखिए, ये मेरी माँ ने मुझे दिया है। Emergency है। कम से कम 500 यूरो दे दीजिए। मुझे घर का रेंट भरना है, इंडिया लौटना है। I need the cash. Please help me. I'll see what I can do. ये दादी ने भी ना कितने पैसे दे दे, अब बाकी के पैसे अपने दिल के काम में लगा। बट कहां? थैंक यू सर। यस, एन इंडियन गर्ल, शी नीड्स 500 यूरोस फॉर दिस रिंग। नो, 200, बट शी नीड्स द मनी। सो आई रन बिजनेस, नॉट द चैरिटी।
अबे क्या हुआ? कोई हिंदुस्तानी लड़की है सर, अपनी अंगूठी बेचने आई है, काफी दिक्कत में शायद। अच्छा, अब पर बेच क्यों रही है? कहती है इमरजेंसी है सर, अपनी माँ की दी हुई अंगूठी बेच रही है, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी। सर यू चेंज। थैंक यू। आज कितना अच्छा दिन है, दादाजी की छड़ी वापस मिल गई, दादी का दिल टूटने से बचकर मेरे पैसे भी बच गए, और ऐसे में एक हिंदुस्तानी लड़की घर से बेघर हो जाए, सुनने में अच्छा नहीं लगता। थैंक्स। ये हुआ ना अपने दिल वाला काम। अब वेज इंडियन गर्ल, वो लड़की कहां गई? शी जस्ट लेफ्ट विद द 200 रोज। चली गई। मुझे वो रिंग खरीदनी है, वो रूबी की जो उसने आपको बेची। श्योर यू विल गेट इट। वैसे तो मुझे वो आपको 300 में देनी चाहिए, बट मैं आपको 200 यूरोस में दूंगा। क्यों? आप हिंदुस्तानी हो ना सर। लेकिन मैं आपको इस रिंग के 500 यूरो दूंगा, 200 आपके लिए और 300 जो एक्स्ट्रा है वो प्लीज आप उस लड़की को दे दीजिएगा। क्यों? एक हिंदुस्तानी एक हिंदुस्तानी की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? श्योर। मुझे क्या कमी है, बस मदद हो जाएगी किसी की, बाकी के पैसे अपने पॉकेट से दे दूंगा, अगले महीने कहीं और से जुगाड़ कर लेंगे, देखा जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, भाभी से क्या कहूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनिए ये लीजिए 300 यूरोस। ये क्या है? वहां पे एक इंडियन लड़के ने आपकी अंगूठी खरीद ली है, उससे मुझसे कहा आपको देने के लिए। थैंक यू सो मच। माँ जब तू वो अंगूठी लाई थी मैंने तुझे कितना डांटा था, तुझसे कहा था कि अंगूठी हमारे क्या काम की, लेकिन आज परदेश में आपकी यही अंगूठी काम आई, आपका स्पेशल गिफ्ट। आई एम वेरी सॉरी, मुझे इसे बेचना पड़ा। ये अंगूठी एक शादी को तो नहीं बचा पाई, हाजी भैया का घर बचा लिया। आ परमेश्वरी। जी माँ जी। ये देखो क्या है ये छड़ी? किसकी? बाबूजी की। तो ये कहाँ थी? मुझे नहीं पता। पॉन शॉप में बिक चुकी थी। ये सब कैसे हुआ? आई डोंट नो माँ जी, मुझे नहीं पता। बनो मत, मैं सब जानती हूँ। अपनी उस सिंघानिया को इम्प्रेस करने के लिए सारा घर बटोरती फिर रही हो, चैरिटी में देने के लिए? नहीं, हद हो गई। मैंने तो बल्कि पूरा देखभाल के सारा सवाल। ये कुछ नहीं सुनना, बहुत हो गया चैरिटी के बाहर एक घर में ये दंगल। तो अब ताकि तुम्हें याद रहे कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमने जो चैरिटी के लिए इस बार 20,000 यूरोस की मांग की थी वो पेमेंट मैं कैंसिल करने को कह रही हूँ। नहीं 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 माँ जी, प्लीज डोंट डू दिस, वरना मेरे फ्रेंड्स मुझे पार्टी में कितने निराश हो जाएंगे कि चैरिटी में। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। राघव आओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।